रोजगार मेला 2023 मंच থেকে 51,000 যুবাকে আধা সামরিক বাহিনীতে চাকরি নিয়োগপত্র বিলি করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ভার্চুয়ালি নিয়োগপত্র দিলেন তিনি। তেমনি সিকিমের গ্যাংটকে আয়োজিত রোজগার মেলায় নিয়োগপত্র প্রদান করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও যুব ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। রোজগার মেলার অধীনে দেশ জুড়ে 45টি বিভিন্ন জায়গায় এই রোজগার মেলার আয়োজন হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভার্চুয়ালি তার উদ্বোধন করেন। সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও যুব ক্রীড়া দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক সহ বিভিন্ন জনেরা। এই দিন সেখানে উপস্থিত যুবক যুবতীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন তিনি। জানা যায় এই নিয়োগগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভাগ, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী 2022 সালের 22 অক্টোবর চাকরি মেলা শুরু করেন। সোমবার 51,000 নিয়োগপত্র বিতরণ করা হয়েছে দেশজুড়ে। প্রকৃতপক্ষে সরকার 2023 সালের ডিসেম্বরের মধ্যে 10 লাখ যুবককে সরকারি চাকরি দেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এদিন প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়াল ভাষণে বলেন, যুবকদের জন্য নতুন পথ খোলার জন্য আধা সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বেশ কয়েকটি পরিবর্তন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, নিয়োগের সময় কমাতে আধা সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ প্রক্রিয়া সহজ করা হয়েছে। তরুণদের জন্য কাজের সুযোগ সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, অটোমোবাইল ফার্মা সেক্টরে খুব দ্রুত উন্নতি হচ্ছে এবং আগামী দিনে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এই সব ক্ষেত্রে। নিশীথ প্রামাণিক বলেন, দেশের যুব সমাজই দেশের ভবিষ্যৎ এবং তাদের আগামীতে আরও বেশি করে কেন্দ্রীয় বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের মাধ্যমে তাদেরকে স্বনির্ভর করে তুলে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য। चाहे कनेक्टिविटी डेवलपमेंट की बात हो, हर सेक्टर में किस तरह से प्रगति हो और किस तरह से हमारा देश विश्व में विश्व गुरु बनकर उभर आए, यही माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा प्रयास है। और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये आजादी का जो अमृत काल है, ये ऐसा एक समय है जिस समय में हमारा देश सर्वोच्च प्रगति कर रहा है और आगे जाके भी करेगा। और उस समय आप जैसे नौजवान युवाओं की भारत सरकार की विभिन्न दफ्तर में योगदान, ये एक बहुत बड़ा जो है कि राष्ट्र हित के लिए बहुत ही बड़ा एक योगदान है। और जैसे कि पता है, हमारे देश विश्व में सबसे युवा देश है और माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि युवाओं को कैसे बढ़ कर आगे लाया जाए और कैसे उनको सशक्त किया जाए। आप लोग ज्यादातर आज जिन लोगों का नियुक्ति पत्र इस मंच से दिया जाएगा, ज्यादातर आप लोग विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्स में ही आप लोगों का योगदान होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से उनका सुझाव भी दिया, उनका मार्गदर्शन भी दिया कि आप लोगों को किस तरह से अपने आप को फिट रखना है और देश सेवा में आपका उत्तम जो योगदान है वो भी देना है। सभी लोगों को फिट रहना चाहिए क्योंकि एक फिट शरीर में, एक स्वस्थ शरीर में जो है एक अच्छा मन का निवास होता है। और आप लोगों का जो कार्य है, बहुत सारा तना कम जो है मुश्किल का सामना बहुत समय आप लोगों को करना है, उस समय आपका मन को भी स्थिर रखना है और अपना शरीर को भी फिट रखना है। मैं आज इस मन से आप सब लोगों को बधाई और अभिनंदन तो देता हूं, उसके साथ साथ आपके परिवार को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपका इस परिश्रम के पीछे आपका जो भी शिक्षक जो भी रहा है, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि मुझे पता है कि एक नौजवान को, एक युवा को कितना परिश्रम के बाद उनका सफलता मिलता है। और आप लोगों का इस विशेष दिन को यादगार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका मार्गदर्शन में ही देश भर में, देश के हर एक राज्यों में इस भव्य कार्यक्रम का
आयोजन किया गया है। और मैं आज इस मंच से इस कार्यक्रम का गैंगटॉक में जिस तरह से आयोजन किया गया है, जिस तरह से हर एक जो नौजवान आज नियुक्ति पत्र लेंगे उनका ख्याल रखा गया है, मैं आईटीबीपी का डीआईजी श्री के संजय कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और पूरा टीम को, आईटीबीपी का पूरा टीम जिस तरह से मेहनत किया और इतना कम समय में आयोजन किया, मैं सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा। मैं फिर से एक बात कहूंगा कि आप लोगों की जीवन का नया शुरुआत है, आपसे एक नई अध्याय की शुरुआत होगी, आप सभी लोग निष्ठापूर्वक देश के लिए काम करेंगे, देश की जो जनता है नागरिक है उन सभी के लिए काम करेंगे, यही आशा मैं रखता हूँ। मैं ज़्यादा मेरा भाषण को ज़्यादा मैं लंबा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता नहीं कि आप लोग मन ही मन में काउंटडाउन भी शुरू कर दिए हैं कि कब वो जो है क्षण आए, ऐतिहासिक क्षण आए कि आपके हाथ में आपके नियुक्ति पत्र हो, तो इसके लिए मन बड़ा चंचल हो रहा है आप सभी लोगों का। तो मैं मेरा जो है भाषण को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं अपना वाणी को मैं यहीं विराम दूंगा। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देकर सभी लोग बोलते हैं भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।